गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं प्राध्यापक जय कुमार वावड़े। आज का हमारा जो ये वीडियो है खास है उन सभी मेरे दोस्तों के लिए जो उम्र के 40 के आसपास है। एक दोस्त ने मुझे पूछा था कि अब तो हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, हम भी 40 तक पहुंच गए हैं, तो हमें क्या ज़रूरत है अब दौड़ने की, जिम जाने की। तो ये बातें उसकी सुन के मुझे लगा है कि आपसे मुझे थोड़ी सी खुल के बात करना चाहिए, इसीलिए आज का ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो देखो दोस्तों, 40 के आसपास जो हम दोस्त पहुँचे हैं तो ये हमारे ज़िंदगी का आधा पड़ाव है। यहाँ से हम आने वाली आधी ज़िंदगी हम अभी हमारी गुजर चुकी है, जिसमें कि हमने हमारी पढ़ाई की, शादी की, बच्चे हैं, और अब कहीं जाके हम लाइफ में एक स्टेज पे सेटल हो चुके हैं। तो जाहिर सी बात है इस भागद दौड़ भरी ज़िंदगी में अभी काफ़ी चीज़ें हमने खोई है, जिसका रिजल्ट भी हमें, या फिर कुछ जो खोया है उसके रिजल्ट भी हमारे साथ में है। जैसे कि हमारा थोड़ा सा वेट बढ़ चुका है, बाल झड़ने लगे हैं, सफ़ेद हो गए हैं, साथ ही साथ थोड़ा सा धुंधला चश्मा भी लगा है, वेट थोड़ा सा बढ़ चुका है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो हमारी जो पर्सनल लाइफ है तो कहीं ना कहीं हमारे बिजी लाइफ का हमारे शरीर पे कहीं ना बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है जो हमें पता नहीं चलता है। लेकिन जैसे हम आगे बढ़ते हैं 50 की तरफ, तो हमें बहुत सारी तकलीफें शुरू होती है। इसलिए यही उम्र में हमें कुछ चीज़ें देख लेना चाहिए या समझ लेना चाहिए। अगर कुछ बातें हम ध्यान रखते हैं तो आने वाली ज़िंदगी हम आराम से हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। तो यही बातों पे हम अभी चर्चा करने वाले हैं। उसमें तो सबसे पहली चीज़ है हेल्थ चेकअप। अब ये उम्र में आके आपको अपनी हेल्थ चेकअप करना ज़रूरी है, जिससे कि ऐसा कौन सा या क्या चीज़ें हैं जो हमारे बॉडी में कमी है या दस्तक दे रही है वो पते चल जाती है, हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि आँखों की अगर प्रॉब्लम है तो चश्मा लगा सकते हैं इस तरह से। साथ ही साथ ब्लड में कुछ कमी है तो उस दिशा में भी हम कदम उठा सकते हैं। ये हुआ है चेकअप। उसके बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है हमें हमारे खान पान की तरफ ध्यान देना चाहिए, हेल्दी फूड लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अगर आप तंबाकू की कोई सेवन करते हो, ड्रिंक करते हो या नशा करते हो, तो ये चीज़ें ये उम्र में बिल्कुल बंद कर देने चाहिए, जिससे कि हम आने वाली ज़िंदगी अपने अच्छे तरीके से बिता सकते हैं। और आखिरी जो चीज़ है जो वो है रेगुलर एक्सरसाइज, फिजिकल फिटनेस के लिए काफ़ी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि बच्चों ने ही करना चाहिए, बच्चों ने ही दौड़ना चाहिए, जिम भी बच्चों ने ही जाना चाहिए, 40 की उम्र में आप जिम नहीं जा सकते, ऐसा नहीं है।
हमें ये उम्र में एक्सरसाइज नहीं की है तो अभी स्टार्ट कर देना चाहिए। आपने पूरे हफ्ते में अलग-अलग एक्सरसाइज ट्राई करना चाहिए। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हो गई, रन एंड वॉक हो गया, मेडिटेशन, योगा, ये सब चीज़ें आपने ट्राई करना है। और हल्का सा वेट भी आप उठा सकते हो, जिम भी जा सकते हो, लेकिन शुरुआत हल्के वेट से करें। ऐसा एक शुरू करने पे आप देख पाएंगे कि काफ़ी जो आपकी एनर्जी शक्ति आपने खोई है वो वापस आप प्राप्त कर सकते हो। तो अच्छे और हेल्दी रहने के लिए आपको दौड़ना पड़ेगा, वेट प्रैक्टिस भी करना ही पड़ेगी। तो दोस्तों बने रहें, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। बाय, टेक केयर।